Hi everyone, welcome back to my channel Style with Passion. आज मैं आपको बुक्स के ऊपर कवर कैसे चढ़ाना है वो बताऊंगी। जो मैं कवर चढ़ाने वाली हूँ उनका मटेरियल ये है, चार्ट पेपर, प्लास्टिक पेपर, स्टेपलर पिंस, स्टेपलर और सीज़र। तो सबसे पहले आप जिस कलर का चार्ट आपके नोटबुक पे चढ़ाने वाले हैं वो चार्ट ले लीजिए। अब जितना ज़रूरत है उसका आप जो है साइज़ ले लीजिए, थोड़ा सा कट मार्क करके अब उसको पूरा स्ट्रेट काट लीजिए इस तरह से। अब काटने के बाद एक दोनों आप बिल्कुल भी जो है चार्ट पेपर वेस्ट ना होने दें, सो दो नोटबुक रखें बराबर से और उसको सेंटर में रख के इक्वल पार्ट कर लीजिए उसका। इक्वल पार्ट करने के बाद अब इस तरह से जो है कवर चढ़ाना है। पहले आगे के गत्ते के ऊपर थोड़ा फोल्ड कर लीजिए, फिर पीछे के ऊपर फोल्ड कर लीजिए। अब जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको एक कट लगाना है, वैसे ही दूसरे साइड पे भी लगाना है। अब एक साइड से गत्ते को खोल के आपको जो है वो कटा हुआ पीस अंदर को फोल्ड कर देना है। उससे क्या हो जाए, वो जो कॉर्नर्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं कॉर्नर्स को कट कर देते हैं शेप के लिए, उससे जो है वीक हो जाती हैं, चार्ट चढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए आप कुछ भी ना काटें, बस सीधा ऐसे चढ़ा दें। अब नेम स्लिप चिपका के उस पर नाम लिख दीजिए। चार्ट का कवर चढ़ा लिया। अब पॉलीथीन कवर लीजिए और दोनों एंगल से रख के देखिए कि किस तरह से हमको जो है कवर सफिशिएंट होगा। उसके बाद इस तरह के काट लेने के बाद स्टेपलर ले लीजिए। पहले एक साइड को पिन कर लीजिए, दोनों साइड एक साथ मत पिन कीजिएगा। एक साइड को पिन करके जैसे कि हमने गत्ते का कवर मतलब जो चार्ट का कवर चढ़ाया था कट किया था, वैसे इसमें भी कट करना है और दोनों साइड से उसके बाद इसको फोल्ड कर लेना है। जब आप फोल्ड कर लेंगे उसके बाद आप दूसरे एंड को जो है स्टेपलर लगाइए इस तरह से। अब चारों कॉर्नर जो है आप फोल्ड करके ताकि कहीं से भी कुछ भी खुले ना, स्टेपल कर लीजिए। बस इतना ही है। इस तरह से जो है आपका ये नोटबुक बिल्कुल फटेगा नहीं पॉलीथीन कवर की वजह से। आजकल जो रेड कवर आते हैं वो भी फट जाते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने से जो है आपकी नोटबुक बिल्कुल फटेगी नहीं। सो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.